सभी हरि भक्त जनों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण जी की 7 विशेष प्रतिमाओं के बारे में। ये प्रतिमाएं कहां पर स्थित हैं ये भी जानेंगे और कहां हम इनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं ये भी जानेंगे। शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी की ये 7 प्रतिमाएं बहुत विशेष हैं। जानिए इसका क्या कारण है। वृंदावन वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की व अनेक राक्षसों का वध किया। यहां श्री कृष्ण के विश्व प्रसिद्ध मंदिर आज भी हैं। आज हम आपको 7 ऐसी चमत्कारी श्री कृष्ण प्रतिमाओं के बारे में बता रहे हैं जिनका संबंध वृंदावन से है। इन 7 प्रतिमाओं में से 3 आज भी वृंदावन के मंदिरों में स्थापित हैं, वहीं 4 अन्य मंदिरों में प्रतिष्ठित हैं। गोविंद देव जी जयपुर प्रतिमा आपको वीडियो के लेफ्ट साइड में दिख रही है। रूप गोस्वामी को श्री कृष्ण की यह मूर्ति वृंदावन के गोमा टीला नामक स्थान से विक्रम संवत 1592 और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 1535 में मिली थी। उन्होंने उसी स्थान पर छोटी सी कुटिया में इस मूर्ति को स्थापित किया। इनके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद जी की सेवा पूजा संभाली। उन्हीं के समय में आमेर नरेश मानसिंह ने गोविंद जी का भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर में गोविंद जी 80 सालों तक विराजे। औरंगजेब के शासनकाल में ब्रज पर हुए हमले के समय गोविंद जी को उनके भक्त जयपुर ले गए। तब से गोविंद जी जयपुर के राजकीय महल जो कि एक मंदिर है में विराजमान है। दूसरी प्रतिमा है मदन मोहन जी करौली। ये प्रतिमा के दर्शन भी आप वीडियो में कर रहे हैं। यह मूर्ति अद्वैत प्रभु को वृंदावन में कालीदह के पास द्वादशादित्य टीले से प्राप्त हुई थी। उन्होंने सेवा पूजा के लिए यह मूर्ति मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दी और चतुर्वेदी परिवार से मांगकर सनातन गोस्वामी ने विक्रम संवत 1590 और अंग्रेजी वर्ष 1533 में फिर से वृंदावन के उसी टीले पर स्थापित की। बाद में क्रमशः मुल्तान के नमक व्यापारी रामदास कपूर और उड़ीसा के राजा ने यहाँ मदन मोहन जी का विशाल मंदिर बनवाया। मुगलिया आक्रमण के समय इन्हें भी भक्त जयपुर ले गए, पर कालांतर में करौली के राजा गोपाल सिंह ने अपने राजमहल के पास बड़ा सा मंदिर बनवाकर मदन मोहन जी की मूर्ति को स्थापित किया। तब से मदन मोहन जी करौली राजस्थान में ही दर्शन दे रहे हैं। तीसरी प्रतिमा है गोपीनाथ जी जयपुर। दर्शन लाभ आप लोग ले रहे हैं। श्री कृष्ण जी की यह मूर्ति संत परमानंद भट्ट को यमुना किनारे वंशीवट पर मिली और उन्होंने इस प्रतिमा को निधि वन के पास विराजमान कर मधु गोस्वामी को इनकी सेवा पहुंचा सौंपी। बाद में रायसल राजपूतों ने यहां मंदिर बनवाया, पर औरंगजेब के आक्रमण के दौरान इस प्रतिमा को भी जयपुर ले जाया गया। तब से गोपीनाथ जी वहाँ पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ मंदिर में विराजमान है। चौथे नंबर पर जो प्रतिमा है उसका नाम है जुगल किशोर जी पन्ना। भगवान श्री कृष्ण की यह मूर्ति हरि राम जी व्यास को विक्रम संवत 1620 की माघ शुक्ल एकादशी को वृंदावन के किशोर वन नामक स्थान पर मिली। व्यास जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित किया। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोर वन के पास मंदिर बनवाया। यहाँ भगवान जुगल किशोर अनेक वर्षों तक विराजे, पर मुगलिया हमले के समय जुगल किशोर जी को उनके भक्त ओरछा के पास पन्ना ले गए। पन्ना मध्य प्रदेश में आज भी पुराने जुगल किशोर मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट मूर्ति है राधा रमन जी वृंदावन। गोपाल भट्ट गोस्वामी को गंडक नदी में एक शालिग्राम मिला। वे उसे वृंदावन ले आए और केसी घाट के पास मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। एक दिन किसी दर्शनार्थी ने कटाक्ष कर दिया कि चंदन लगाए शालिग्राम जी तो ऐसे लगते हैं मानो कढ़ी में बैंगन पड़े हों। यह सुनकर गोस्वामी जी को बहुत दुख हुआ,
पर सुबह होते ही सालिग्राम से राधा रमन की दिव्य प्रतिमा प्रकट हो गई। प्रतिमा के दर्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं। यह दिन विक्रम संवत 1599 और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1542 की वैशाख पूर्णिमा का था। वर्तमान मंदिर में इनकी प्रतिष्ठापना सन 1884 में की गई। उल्लेखनीय है कि मुगलिया हमलों के बावजूद यही एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो वृंदावन से कहीं बाहर नहीं गई। इसे भक्तों ने वृंदावन में ही छुपा कर रखा। इनकी सबसे विशेष बात यह है कि जन्माष्टमी को जहां दुनिया के सभी कृष्ण मंदिरों में रात्रि 12 बजे उत्सव पूजा अर्चना आरती होती है, वहीं राधा रमन जी का जन्म अभिषेक दोपहर 12 बजे होता है। मान्यता है ठाकुर जी सुकोमल होते हैं और उन्हें रात्रि में जगाना ठीक नहीं है। अगली मूर्ति है राधा वल्लभ जी, वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की यह सुंदर प्रतिमा हित हरिवंश जी को दहेज में मिली थी। उनका विवाह देवबंद से वृंदावन आते समय चटथावल गांव में आत्मदेव ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। पहले वृंदावन के सेवा कुंज में संवत 1591 और बाद में सुंदरलाल भटनागर, कुछ लोग रहीम को इसका श्रेय देते हैं, के द्वारा बनवाए गए लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में राधा वल्लभ जी प्रतिष्ठित हुए। मुगलिया हमले के समय भक्त इन्हें कामा राजस्थान ले गए। विक्रम संवत 1882 में एक बार फिर भक्त इस प्रतिमा को वृंदावन ले आए और यहाँ नव निर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित किया। तब से राधा वल्लभ जी की प्रतिमा यहीं वृंदावन में विराजमान है। अंतिम प्रतिमा जिसकी बात हो रही है वो है बांके बिहारी जी, वृंदावन। सभी लोग इनसे परिचित हैं। बांके बिहारी लाल की जय। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में को स्वामी हरिदास जी की आराधना को साकार रूप देने के लिए बांके बिहारी जी की प्रतिमा निधिवन में प्रकट हुई। स्वामी जी ने इस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। मुगलों के आक्रमण के समय भक्त इन्हें भरतपुर ले गए। वृंदावन के भरतपुर वाला बगीचा नाम के स्थान पर विक्रम संवत 1921 में मंदिर निर्माण होने पर बांके बिहारी जी एक बार फिर वृंदावन में प्रतिष्ठित हुए। तब से यहीं भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बिहारी जी की प्रमुख विशेषता यह है कि यहां साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी के बाद सुबह में मंगला आरती होती है। तो ये थी श्री कृष्ण जी की 7 विशेष प्रतिमाएं। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री हरि भक्तों।